भारतवर्ष की महान चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद के माध्यम से सैकड़ों वर्षों तक असाध्य रोगों का उपचार किया जा रहा है। आयुर्वेद पद्धति का जन्म भारत से ही माना जाता है। आयुर्वेद उपचार के अंतर्गत श्रृंगी चिकित्सा पद्धति द्वारा रक्त मोशन विधि से जोड़ों के असाध्य रोगों का इलाज संभव है। हरिद्वार में डॉक्टर राजकुमार टोनी एवं उनके सहयोगी द्वारा श्रृंगी चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार किया जा रहा है, जिससे अभी तक लाखों की संख्या में मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। वर्तमान समय में हमारे बिगड़ते खानपान और अन्य कारणों से जोड़ों का दर्द आम बात हो गई है। लोगों द्वारा काफी रुपया खर्च करने के बाद भी सफलता के साथ उपचार नहीं मिल पाता है। इस समस्या के समाधान के लिए संघर्ष सेवा समिति द्वारा SM टावर झोकन बाबा स्थित समिति कार्यालय पर 3 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम दिन पर 100 से अधिक मरीजों का सफल उपचार किया गया। काफी वर्षों से चलने फिरने में असक्षम मरीज बिना सहारे के चलते हुए दिखाई दिए। बातचीत में सभी ने बताया कि उन्हें इस चिकित्सा पद्धति से काफी आराम मिला है और चलने फिरने में समस्या नहीं आ रही है। उपचार के बाद सभी मरीजों ने डॉक्टर की टीम और संघर्ष सेवा समिति को धन्यवाद ज्ञापित किया। राजकुमार टोनी ने बताया कि उनके पूर्वज पिछले 1800 वर्षों से इस पद्धति द्वारा लोगों का उपचार कर रहे हैं। इस चिकित्सा पद्धति में किसी भी प्रकार की चीर फाड़ी नहीं होती। 20 से 25 मिनट के उपचार में मरीज को पूर्ण रूप से आराम मिल जाता है। इस चिकित्सा पद्धति में मवेशियों के सिंगों के माध्यम से उपचार किया जाता है। दर्द वाले स्थान पर उनका खोखला सिंग लगाकर निर्वात उत्पन्न करते हैं। उसके पश्चात काफी समय से जमे हुए खून को शरीर से बाहर निकाला जाता है। उन्होंने कहा, डॉक्टर संदीप निःशुल्क चिकित्सक शिविर आयोजित कर जनमानस का भला कर रहे हैं। जनमानस के साथ इसका लाभ निश्चित रूप से डॉक्टर संदीप को भी मिलेगा। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि आज के समय में खासकर बुजुर्गों को जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल आदि समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिससे उनका जीवन दुभर होता जा रहा है। व्यस्तता के कारण उनके बच्चे भी माँ बाप के इलाज का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति हरिद्वार या अन्य जगह जाकर इस चिकित्सा पद्धति से उपचार कराने में सक्षम नहीं है। इसी कारण हमने झांसी में 3 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम दिवस पर 100 से अधिक मरीजों का उपचार हुआ है। सभी का कहना है कि उन्हें 80 से 100% तक लाभ मिला है। हम आगे भी इस प्रकार के आयोजनों को क्रियान्वित करते रहेंगे। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति से बसंत गुप्ता, सुशांत गेड़ा आदि उपस्थित रहे। झांसी से रवि परिहार की रिपोर्ट। बाबूजी क्या नाम है? मेरा नाम है सर्वानुषा प्रसाद सबका। कहाँ से आए? बरिया सर। अभी जो श्रृंगी विधि द्वारा इलाज हुआ है, क्या लाभ मिला? इससे हमें आराम मिला है, मरा खून निकल गया है सर, और हम दो मतलब थोड़ा सा तेज भी चल पाए। कहाँ दर्द था आपको? घुट। पहले कभी इसका एलोपैथी इलाज वगैरह? नहीं, हमने नहीं कराया। संतुष्ट हैं आप?